हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो आज के वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं वो तो आप स्क्रीन को देखकर समझ ही गए होंगे। यस, दिस इज़ योर अपडेटेड सिलेबस। और पैंडेमिक कोरोना की वजह से एजुकेशन सिस्टम काफ़ी लेट हो गया है इस बार, तो इसको देखते हुए एजुकेशन डिपार्टमेंट ने क्या कर दिया है कि आपके सिलेबस में से कुछ चैप्टर्स को रिड्यूस कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, सो देख लेते हैं हम लोग, एक क्विकली ओवरव्यू ले लेते हैं कि कौन कौन से यूनिट में कौन कौन से चैप्टर्स को रिड्यूस किया गया है और उसका टोटल वेटेज अब क्या रहेगा। ओके, सो एज यू कैन सी इन यूनिट फर्स्ट, जो कि थी रिप्रोडक्शन, जिसमें कि हम चैप्टर फर्स्ट को ऑलमोस्ट पढ़ चुके थे, बट अब उसमें से चैप्टर फर्स्ट को रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, तो अब जो रिमेन चैप्टर है वो हम लोग स्किप कर देंगे और अब डायरेक्टली चैप्टर नंबर सेकेंड पर आ जाएंगे। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट में से चैप्टर फर्स्ट को रिमूव कर दिया गया है और अब इस यूनिट का जो टोटल वेटेज है वो है 14 मार्क्स। ओके, यूनिट सेकेंड है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, इसमें आपका सेवेंथ चैप्टर है उसको रिमूव कर दिया गया है एंड इस यूनिट का वेटेज अब है 18 मार्क्स। ओके, कीड़ा आ गया। ओके, सो यूनिट थर्ड बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, तो इसमें से चैप्टर नंबर 9th को रिड्यूस कर दिया गया है और अब इस यूनिट का टोटल वेटेज है 14 मार्क्स। ओके, यूनिट फोर्थ में से बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस में से किसी भी चैप्टर को रिड्यूस नहीं किया है, बिकॉज इस यूनिट में सिर्फ दो चैप्टर्स ही हैं, तो उसको क्या रिड्यूस करेंगे। ठीक है, और वो दोनों इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इस यूनिट का टोटल वेटेज है 12 मार्क्स। यूनिट फिफ्थ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, इसमें से टू चैप्टर्स को रिमूव किया गया है, चैप्टर नंबर 14 एंड चैप्टर नंबर 16, और इस यूनिट का टोटल वेटेज है 12। सो ऐसे करके आपका जो टोटल 70 मार्क्स हो गया है। ठीक है, और अब आप लोग क्या करना है कि जो अगर आपके पास सिलेबस अवेलेबल है तो उसमें से आप इन चैप्टर्स को कट कर लीजिएगा। टोटल 16 चैप्टर्स थे पहले और अब 5 चैप्टर्स को उसमें से रिड्यूस कर दिया गया है, तो अब आपको टोटल कितने चैप्टर्स को रीड आउट करना है, 11 चैप्टर्स को। ठीक है, तो आज की क्लास में या कल की क्लास से हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 2nd को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सो टिल देन टेक केयर, और इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा और इसका जो PDF है, सिलेबस का PDF, मैं आपको WhatsApp ग्रुप में अवेलेबल करवा दूंगी। ओके?